हाय फ्रेंड्स, टुडे आई एम शेयरिंग माय नाइट स्किन केयर रूटीन विद यू, जो मैं अभी रिसेंटली फॉलो कर रही हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू हेयर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल और ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन एंड फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट इट। रिसेंटली आई हैव यूज एपिडियो फॉर माई एक्ने एंड एक्ने मार्क्स। तो सबसे पहला स्टेप है क्लिनजिंग। तो क्लिनजिंग के लिए मैंने सिंपल का फेस वॉश इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल होता है और स्किन को बिल्कुल भी इरीटेट नहीं करता। आप कोई भी नॉर्मल जेंटल फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, सेटाफिल का क्लिनजर यूज़ कर सकते हो। तो अभी जो सेकेंड स्टेप है वो है मॉइस्चराइजिंग अंडर आई एंड माउथ एरिया। क्योंकि मैंने अंडर आई माउथ एरिया क्यों कहा, क्योंकि हमें पहले एक्ने ट्रीटमेंट करना है। मैं पहले एपिडियो लगाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने अंडर आई और माउथ एरिया को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। क्योंकि अगर एपिडियो मैंने लगाया और उसके बाद जब मैं मॉइस्चराइज करूँगी, तब मुझे अंडर आई और माउथ एरिया तो मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। तो उसके साथ हो सकता है कि कुछ एपिडियो मेरे अंडर आई पे भी लग जाए मॉइस्चराइजर के साथ मिलके। तो इसलिए मैं पहले अपने अंडर आई और माउथ एरिया को प्रोटेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि वो दो जगह बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो इसलिए मैं अच्छी तरीके से अपने अंडर आई और माउथ एरिया को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, ताकि वो मॉइस्चराइज भी रहे और जब मैं एपिडियो लगाने के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँ तो वो मेरे डायरेक्टली मेरे स्किन को टच ना करे और मुझे इरिटेशन ना हो। इसलिए आप लोग भी पहले एपिडियो इस्तेमाल करने से पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र, जैसे मैंने सेटाफिल का यूज़ किया, उसको अपने अंडर आई और माउथ एरिया पर लगा लेना। और उसके बाद मैं लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ वैसलीन लगा के, क्योंकि ऑब्वियसली लिप्स भी हमारे फेस का ही एक एरिया होता है, उसको भी मॉइस्चराइज करना बनता है। तो अभी चलो एपिडियो लगाते हो। और एपिडियो को आपको बहुत ही टाइनी अमाउंट लेकर, मतलब आपको जितना चाहिए, ज़्यादा नहीं, पूरे फेस पर नहीं लगाना, सिर्फ एक्ने और एक्ने मास्क पर लगाना है। तो मुझे छोटे छोटे मतलब एक्ने जहाँ जहाँ हैं मैं वहाँ पर लग रही हूँ। वैसे तो मेरे मुझे जो बड़े बड़े हुए थे वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं, लेकिन कोई कुछ कुछ मार्क्स है वहाँ पर लगा रही हूँ। और जो छोटे छोटे बम्स टाइप्स निकले तो मैंने वहाँ पर उनको लगा रही हूँ। वीडियो को सिर्फ डॉट डॉट करके लगा कर ही मत रख दीजिएगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसको डॉट फॉर्म में लगा कर उसके बाद उसको थोड़े अच्छे से तरह रब करके जेंटली हाथों से मसाज करें, ताकि वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो सके, जैसे मैं कर रही हूँ। और एक बात ध्यान रखिएगा, व्हेन यू यूज एपिडियो बिफोर अप्लाइंग प्लीज़ वॉश द हैंड एंड आफ्टर अप्लाइंग वॉश द हैंड, बिकॉज कुछ भी स्किन केयर करने से पहले हैंड को वॉश करना ही चाहिए। और अगर आप एपिडियो इस्तेमाल कर रहे हो तो एपिडियो का इस्तेमाल करने के बाद कुछ और स्टेप, मतलब मॉइस्चराइजर या फिर कुछ भी करने से पहले आप अपने हैंड्स को वॉश ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो एपिडियो आपके हैंड्स पर अगर लगा रह जाएगा और उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे तो वो मॉइस्चराइजर के साथ मिलकर आपके फेस के जो सेंसिटिव एरिया है, वो अंडर आई या फिर माउथ, उन सबको टच करने के वजह से आपको इरिटेशन हो सकता है, जलन भी हो सकता है। तो प्लीज़ वॉश हैंड इन डे टाइम, मेक श्योर टू यूज़ ए गुड सनस्क्रीन। इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू यूज़ और नॉट टू यूज़ एपिडियो, प्लीज़ चेक माई एपिडियो वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और एपिडियो को लगने के बाद 5 to 10 मिनट्स आपको वेट करना है, ताकि जो एपिडियो है वो ड्राई हो जाए, सॉरी ड्राई नहीं, आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। और उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लेकर डैबिंग मोशन पर आपके स्किन के ऊपर लगाना है, घिसना नहीं है, मसाज करना नहीं है, सिर्फ डैबिंग मोशन पर जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही उसको लगाना है। और मॉइस्चराइजर कुछ भी फैंसी मॉइस्चराइजर नहीं, एक सिंपल सा मॉइस्चराइजर लगाना है जो स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए हो। जैसे कि मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, वो सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, ताकि स्किन को इरिटेट ना करे, कुछ भी बैड थिंग्स ना हो। और मॉइस्चराइजर लगने के बाद हो गया मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।